आज 26 अक्टूबर का दिन है और 26 अक्टूबर का दिन सभी देशभक्तों के लिए, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों के लिए 26 अक्टूबर का दिन जश्न आजादी का दिन होता है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का पूरा विलय हिंदुस्तान के साथ किया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत माता के साथ हुआ था। आज करोड़ों देशभक्तों के लिए यह जश्न आजादी का दिन है और आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा सकती। आज कार्यक्रम हो रहे हैं तो कश्मीर में ऐसी पाबंदी क्यों है? देखिए, ऐसी पाबंदी अरुण जी कहाँ गए? मेंटेन करने के लिए इस प्रकार से हो गया होगा। कुल मिलाकर के मुझे याद है कि एक बार लाल चौक पर जब झंडा चढ़ाया गया था, मैं उस वक्त स्पीकर की सीट पर बैठा था, तो कभी मैंने डीजी को आदेश दिया था कि अभी उन लोगों को छोड़ो। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है कि आज महाराजा हरि सिंह, जिनके कारण से हम इस राज्य में पूर्ण मिले के साथ रह रहे हैं, और सरकारों ये विडम्बना रही कि सरकारों जो सरकारें रही उन्होंने कभी भी इसकी ना तो छुट्टी घोषित की ना ही उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को माना। हालांकि वो सभी अधिकांश डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं और इनको ना मानते हुए यहाँ के जो लोग आज जो गुप्तकारी से इकट्ठे हुए हैं, यही लोग थे जो हमेशा पाकिस्तान के झंडे का समर्थन करते रहे। आज इनकी ये बिल्ली थैले से बाहर आ रही है, खोल करके ये सामने की गया। गुप्ता जी, एक सवाल और है कि महबूबा को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ वो वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, डॉटेड लाइन वही है जो बाकी प्रिंसिपल स्टेट ने किया। तो जम्मू कश्मीर रियासत ने उससे अलग होकर कुछ फैसला किया। ये एक हिस्टोरिकल कॉन्सेपरेसी थी जिसको जम्मू को, जिसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। कुछ चीजों को और दुरुस्त करना पड़ेगा और मैं ये चाहूंगा कि अगले साल भी हम इस हमारे पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष एमएलसी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, ये ड्रामा ना भारत माता की, भारत माता की, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय।
मैं सबसे पहले हीरानगर जोड़िया रामबन सुंदरबनी उन सभी शहीदों को याद करना जरूरी समझता हूं जिन्होंने इस तिरंगे की आन शान के लिए 1953 की उस जंग में ही अपनी शहादत दी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इस वक्त सच्ची श्रद्धांजलि है जिनके कारण से एक विधान एक निशान एक प्रधान का जो नारा है आज वो सत्य हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जनसंघ के रूप में रही प्रजा परिषद के रूप में रही या किसी भी रूप में रही एक एजेंडा जो हम लेकर के चले थे उसको आज पूर्ण किया है। इसके लिए खुशी की लहर पूरे भारतवर्ष में होना स्वाभाविक बात है। तिरंगे झंडे ही झंडे जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में तिरंगा है। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल की धड़कन में तिरंगा है, सांसों में तिरंगा है, लहू में तिरंगा है, हमारे जान और हमारे प्राणों में तिरंगा है। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और यहां सिर्फ तिरंगा झंडा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा झंडा नहीं लगा सकती है। जम्मू कश्मीर में अगर रहेगा तो सिर्फ तिरंगा झंडा रहेगा। एक देश का एक झंडा होता है। क्या महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और ये गुपकार गैंग वाले ये गुपकार गैंग के गैंगस्टर्स क्या ये जम्मू कश्मीर में अलग झंडा लगाकर क्या कोई जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का तुम लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हो कयामत की सुबह तक आपको इन षड्यंत्रों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अपने देश हिंदुस्तान अपनी भारत माता और अपने तिरंगे झंडे से प्यार करती है। हमें कोई दूसरा झंडा यहाँ के अंदर नहीं चाहिए और ना ही हम किसी को यह इजाजत देंगे कि जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई दूसरा झंडा फहरा दे। सवाल पैदा नहीं होता। अपनी जान दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लहू का कतरा कतरा अपने देश अपनी भारत माता और अपने झंडे के लिए न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कोई दूसरा झंडा हम यहां नहीं चलने देंगे। ये जम्मू कश्मीर कोई महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बाप दादा का जम्मू कश्मीर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जम्मू कश्मीर है। 26 अक्टूबर का दिन जम्मू कश्मीर के करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए जश्न का दिन है। ये हमारे लिए विजय दिवस है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को
हमारे महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ किया था, और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, जम्मू कश्मीर के हर घर में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले, हर गांव में तिरंगे झंडे ही झंडे फहरा रहे हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा झंडा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों के दिल में, सीने में, खून में, सांसों में और दिल की धड़कन में तिरंगा झंडा बसता है। दुनिया का कोई और झंडा जम्मू कश्मीर में नहीं फहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा अलग से झंडा नहीं फहरा सकती। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और चीन के कब्जे वाला जो लद्दाख है और पाकिस्तान के कब्जे में जो गिलगित बल्टिस्तान है, ये क्षेत्र भी भारत के हैं, हिंदुस्तान के हैं। मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाघ, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, अस्करदू, गिलगित बल्टिस्तान, अक्साई चिन, शकसम वैली, ये सारे के सारे क्षेत्र जो पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, ये हिंदुस्तान के है। पाकिस्तान को और चीन को हमारा एरिया खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा एरिया हमारे महाराजा हरि सिंह जी का था और उन्होंने इसका सारा विलय भारत में किया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर छुट्टी घोषित की गई है इस विलय दिवस के उपलक्ष में। ये महाराजा हरि सिंह जी को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, उनकी याददाश्त। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया था, हम महाराजा हरि सिंह बहादुर और सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने इस तिरंगे की खातिर अपना बलिदान और अपनी कुर्बानियां दी है। रहने साहब, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है।